दसवीं रामायण है अनुषा के जन्मदिन के उपलक्ष में। तो ये जो है एक साल का त्योहार, साल का पारायण है। तो हम सभी को इसमें विशेष करके राहुल जी की जो निर्मल इनका जो स्वभाव है, और इनसे किसी ने पूछा था तो इन्होंने यही उत्तर दिया था जो बहुत अच्छा लगा था। बोले प्रभु जी हमारा तो यही त्योहार है सबसे बड़ा। तो ईश्वर की कृपा ऐसे ही परिवार पर सभी पर बनी रहे और ये हम सबको ऐसे ही सत्संग का लाभ देते रहें। इसी के साथ अब प्रभु जी से निवेदन करेंगे कि हरि बोल। थोड़ा सा चेंज करता हूं अपने गुरु जी महाराज को याद करके, उनका सुझाव दिया हुआ भजन आज नहीं गाकर एक दूसरा भजन गाते। वहां मिलेंगे रास रचाते, वहां मिलेंगे रास रचाते, राधा के संग श्याम रे, मन चल वृंदावन धाम रे, मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम रे, मन चल वृंदावन धाम। वहां मिलेंगे रास रचाते, राधा के संग श्याम रे, मन चल वृंदावन धाम रे, मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम रे, मन चल वृंदावन धाम। नंद मिलेंगे और यशोदा, ललिता बिंदा सखिया, आनंद मिलेंगे और यशोदा, ललिता बिंदा सखिया, और मिलेंगे ग्वाल बाल की, और मिलेंगे ग्वाल बाल की, संग संग बलराम रे, मन चल वृंदावन धाम रे, मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम रे, मन चल वृंदावन धाम। यमुना जी का दर्शन होगा, सन्मुख गिरी को वर्धन होगा, यमुना जी का दर्शन होगा, सन्मुख गिरी को वर्धन होगा, ब्रज के हर कण में भी हर क्षण, घर के हर कण में भी हर क्षण, सुनोगे काना नाम ले, मन चल वृंदावन धाम रे, मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम रे, मन चल वृंदावन धाम। बहाना जप तप योग भोग है, पंडर दर्शन का सुयोग है, बहाना जप तप योग भोग है, पंडर दर्शन का सुयोग है, चल चल ब्रज के सिवा नहीं है, चल चल
प्रभु के तरफ हम माइक ले चलते हैं। राहुल प्रभु आपसे रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा ये